जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था आवेश क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश आने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, और हमने ये बता दिया था आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से आता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आवेशन की विधियों के बारे में। हमने तो ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन को जब कोई वस्तु कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, और जब कोई वस्तु कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वस्तुओं को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी आवेशन की विधियाँ। तो देखिए, आवेशन के लिए अगर बात की जाए किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, तो इसकी तीन विधियाँ होती हैं। पहली विधि को हम कहते हैं घर्षण विधि, जो इसकी दूसरी विधि होती है उसको हम कहते हैं चालन विधि, और अगर तीसरी विधि की हम बात करें तो तीसरी विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए यही तीन विधियां होती हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि घर्षण विधि क्या होती है। तो देखिए, घर्षण विधि में हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं और उन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं। दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, उष्मा हीट जनरेट होती है, जिसके कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को या जब किसी परमाणु को उष्मा दिया जाता है तो उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाहर से उष्मा मिल जाती है। तो उसी तरह से जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में, जैसे हमने अपने हाथों को इस तरह से रगड़ा तो यहाँ पर कुछ गर्माहट होती है, उसी तरह से जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में कुछ गर्माहट होती है, मतलब कुछ हीट जनरेट होती है, और उस हीट के कारण किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिसके कारण जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो धन आवेश आ जाता है, लेकिन जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धन आवेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इस विधि को कहते हैं घर्षण विधि। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी विधि की। तो जो दूसरी विधि है हमारी चालन विधि है। ये विधि क्या होती है? इस विधि में दो वस्तुओं को हम लेते हैं, जिसमें से एक वस्तु पर आवेश होता है और दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं होता है। यानी कि हम दो वस्तुओं को लेते हैं जिसमें से किसी एक वस्तु पर आवेश होगा, दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं होगा, और इन दोनों वस्तुओं का हम आपस में संपर्क करा देते हैं। मतलब चाहे हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ करके कहीं पर रख दें, या फिर किसी माध्यम के द्वारा वायर से या किसी तरह से हम इसको जोड़ दें, तो एक वस्तु से जो वस्तु आवेशित होती है इससे धीरे धीरे आवेश दूसरी वस्तु पर जाने लगते हैं, और कुछ समय के बाद हम इनको अलग अलग कर देते हैं। तो इस विधि से पहली वस्तु पर भी आवेश हो जाता है और इस वस्तु से कुछ आवेश दूसरी वस्तु पर भी चले जाते हैं। यानी कि हम दो वस्तुओं को लेकर के
जिसमें से एक पर आवेश हो एक पर आवेश ना हो, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं और कुछ समय के बाद हम उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पहली वस्तु के जो आवेशित वस्तु है उसके कुछ आवेश दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तुओं को आवेशित करने की विधि होती है उसे कहते हैं चालन विधि। अब इसके बाद जो विधि आती है सबसे लास्ट और अंतिम विधि जो है उसको कहते हैं प्रेरण विधि। जो सबसे लास्ट की हमारी विधि है तीसरी, इसे कहा जाता है प्रेरण विधि। इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं रहती है लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी रहती है, जिस पर से हम किसी एक वस्तु को ही आवेश देते हैं और दूसरी वस्तु का संपर्क हम पृथ्वी से करा देते हैं। तो इस आवेश के कारण इस वस्तु पर इसका विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से ये वस्तु आवेशित हो जाती है। तो प्रेरण विधि में क्या होता है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, पहली वस्तु को हम आवेश देते हैं तथा दूसरी वस्तु का संपर्क हम पृथ्वी से करा देते हैं जिसके कारण उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं।